नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पंजाब के सीनियर नेता और बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चूह के बेटे वरुण चूह का विवाह शनिवार को भारतीय फौजी परिवार की बेटी शगुन के साथ हुआ। बेहद सादगी के साथ जीरकपुर मोहाली में गुरुद्वारा नाभा साहब में हुई शादी के बाद मंगलवार को दिल्ली में रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के साथ शामिल होने पहुंचे। इस दौरान एक नज़ारा ऐसा भी देखने को मिला जब बीजेपी नेता तरुण चूह के बेटे वरुण चूह पीएम मोदी के पैरों में सिर रखकर आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी देश में कितने लोकप्रिय हैं, इसकी एक झलक बीजेपी नेता तरुण चूह के बेटे वरुण चूह के रिसेप्शन में देखने को मिला। दरअसल इस रिसेप्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे पीएम मोदी, जैसे ही स्टेज पर पहुंचे दूल्हे वरुण चूह तुरंत अपनी पत्नी शगुन के साथ पीएम मोदी के पास पहुंचकर उनसे आशीर्वाद लिया। इस दौरान वरुण चूह घुटनों के बल पर बैठकर पीएम मोदी के पैरों में अपना सिर रखे हुए नजर आए। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि दो बार पीएम मोदी के पैरों में अपना सिर रखकर आशीर्वाद लिया और फिर हाथ जोड़ते हुए खड़े हो गए। पीएम मोदी ने भी वरुण चूह की पीठ थपथपाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। दूल्हे वरुण चूह जहां पीएम मोदी के पैरों में सिर रखकर आशीर्वाद ले रहे थे, तो वहीं उनकी पत्नी शगुन खड़े खड़े ही पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद वरुण और उनकी पत्नी शगुन पीएम मोदी को लेकर स्टेज के पास गए, जहां दूल्हे दुल्हन समेत परिवार के बाकी सदस्यों ने भी पीएम मोदी के साथ तस्वीरें खिंचवाई। बीजेपी कार्यकर्ता संदीप ठाकुर भी रिसेप्शन समारोह में शामिल हुए थे, उन्होंने ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। आप भी देखिए पूरा वीडियो। आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार को एक गुरुद्वारे में बेहद सादगी के साथ शादी हुई थी, जिसमें हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता, पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़, केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश, अनुसूचित जाति कमीशन के प्रधान विजय सांपला,
उप मुख्यमंत्री हरियाणा दुष्यंत चौटाला, पंजाब भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सीनियर प्रचारक, कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी के नेताओं के अलावा अलग अलग राज्य के सांसद शामिल हुए थे।